टेक्सम बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि मॉडल नंबर HPW8 का इंस्टॉलेशन कैसे किया था। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मॉडल नंबर HPW8 का काम कैसे करता है। तो इसमें पहले से हमने फिल्टर लगा के रखा है और हम इसमें अभी खाली एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये फिल्टर है, इसको इस तरह से टाइट करना है। ये टाइट होने के बाद आपको ये एडाप्टर को इसमें कनेक्ट करना है, जिसमें पाइप पहले से कनेक्ट करके रखा है हमने। आपको रेड वाला को पुश करना है और पुश करने के बाद उसको रिलीज़ कर देना। उसके बाद ये जो फिल्टर है, फिल्टर का आपको ये टैंक में या फिर बकेट में जो भी टैप कनेक्शन होगा उसमें आपको डालना है। जैसे कि हमने अभी इसमें डाल दिया है, ये जैसे कि आप देख सकते हो पूरी तरह से अंदर जा चुका है। और फिर हम ये आउटलेट पाइप कनेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए इसके अंदर आउटलेट कनेक्ट किया और फिर इसको टाइट करते हैं। सेम चीज़ आपको गन में भी करना है। गन में सेम कनेक्टर आपको अंदर पहले पुश करना है, उसके बाद फिर इसको टाइट कर देना है। ये नोजल है, आपको अगर ये इतने गन में काम कर सकते हो तो भी ठीक है। आपको रॉड लगाना तो रॉड भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये रॉड अभी कनेक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें ये रॉड कनेक्ट हो गया, इससे आगे आप नोजल लगा सकते हैं। ये नोजल आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब इसी में है, ऑल इन वन है। ये देख सकते हैं आप, इसे कम ज़्यादा करना हो प्रेशर। अभी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से मैं मशीन चालू करता हूँ और मशीन चालू हो गया, आपका आवाज़ आता होगा जैसे फैन काम कर रहा है इसका। सेफ्टी के लिए आप ये नोजल को स्पैनर से टाइट कर लीजिए ताकि लीकेज का कोई चांस ही ना हो। मशीन चालू होने के बाद एक बार गन प्रेस करके एयर निकाल लीजिए इसका। एयर निकालने के बाद मशीन प्रॉपरली रन करना चालू करेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप मशीन है, आप देख सकते हैं कि इसका फ्लो कितना लंबा से जाता है। जैसे कि आप ट्रिगर ऑन करेंगे तो मशीन चालू होता है, ट्रिगर रिलीज करने के बाद मशीन बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसका फ्लो कितने जाता है, कितने ज़्यादा प्रेशर है इसका। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अभी मैं छोड़ दिया ट्रिगर तो मशीन पूरी तरह से बंद हो गया। एडजस्टेबल नोजल इसका आप देख सकते हैं कि आपको जैसा थ्रेड चाहिए वैसा थ्रेड मिलेगा। आपको धीरे धीरे बस नोजल घुमाना है, नोजल घुमाएंगे आपको आपका मन चाहा प्रेशर मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मशीन का प्रेशर कितना है। अभी हम आपको फोम कैसे यूज करना है वो दिखाते हैं। फोम का कॉम्बिनेशन दिखा दे, कितना पानी डालना है, कितना फोम यूज़ करना है।
इसमें आपको पानी डालना है और बाकी आपको फोम डालना है। 50-50 का रेशियो रखिए। अच्छे से फिर उसको टाइट कर लीजिए। टाइट करने में उसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करके फिर से उसे गन में कनेक्ट कर लीजिए। ऐसे इसको फोम बॉटल को आपको गन में कनेक्ट करके लॉक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका फोम कैसे आता है। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी कंडीशन पहले कैसा था और अभी गाड़ी किस कंडीशन में है। एकदम नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा भी कुछ गंदगी बचा नहीं है।